मुट्ठी भर लोग इस्लाम को उन्मादी बना रहे हैं, उनके मजहब में आकंठ कट्टरता भरी नजर आती है। चावड़ी बाजार से आए यह वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है। एक दिन पहले चंद गुंडे एक अफवाह में ऐसे पागलपन की हद तक उतर आए कि उन्होंने मंदिर में जबरन प्रवेश किया और उसके बाद बेजान मूर्तियों पर अपनी पौरुषता के निशान छोड़कर चले गए, और वो भी तब जब रात 12 बजे भगवान के मंदिर के दरवाजे भी बंद हो गए थे। मजहब ने उन्हें इस कदर जिहादी बना डाला था, जुबां पर अल्लाह का नाम था, अल्लाहु अकबर और नाराए तकबीर की आवाज लग रही थी, लेकिन दिल नापाक हो चला था। धर्म के धुएं में उन्हें कुछ नहीं दिखा, इसलिए कौम विशेष की भीड़ जुटने लगी। एक अफवाह पर, और देखते ही देखते उन्होंने भगवान के घर में हमला बोल दिया। दिल्ली के एमएलए कपिल मिश्रा ने दो वीडियो ट्वीट किए। पहले वीडियो में उन्होंने लिखा है, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दिल्ली के चावड़ी बाजार का हिंदू मंदिर है। कल धर्म विशेष की भीड़ ने मंदिर में घुसकर इन मूर्तियों को तोड़ा है। बदमाशों या गुंडों ने नहीं, सैकड़ों लोकल लोगों की भीड़ ने अपने धर्म के नारे लगाते हुए ये मंदिर तोड़ डाला। इस वीडियो में साफ दिख रहा है, मंदिर में घुसे उन्मादियों ने पहले माँ सरस्वती की मूर्ति पर हमला किया, देवी दुर्गा की मूर्तियों पर भी हमला हुआ, भगवान शिव की मूर्ति विखंडित कर दी गई। धर्म के इन ठेकेदारों के मानसिक दिवालियेपन की निशानी शिवलिंग पर भी मौजूद है। कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट किया कि दिल्ली के हौज काजी में कल रात एक मंदिर पर पत्थर बरसाए गए और तोड़फोड़ की गई। पहले पूरे इलाके में अफवाह फैलाई गई कि एक मुस्लिम लड़के की मॉब लिंचिंग हुई है, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया है। उसके बाद मंदिर में, थाने में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मंदिर में ईंट पत्थर, चीख चीख कर लोगों की गुंडागर्दी की गवाही दे रहे थे, लेकिन केजरीवाल सरकार मौनी बाबा की तरह चुप थी। सीएम केजरीवाल को खबर गई ही होगी, लेकिन साहब अपने शीश महल में बैठकर सियासतदान की भूमिका निभाने में व्यस्त थे। मामले में अब तक खामोश रहने वाले केजरीवाल पर उनके पूर्व विधायक कपिल मिश्रा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, जब मंदिर तोड़ा जा रहा था उस भीड़ के सपोर्ट में केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन भी आए थे। गुप्ता परिवार पर हुए हमले और मंदिर टूटने के मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी आपराधिक है। झारखंड से लेकर गुरुग्राम तक हर छोटे बड़े मुद्दे पर बोलने वाला एकदम गूंगा बन गया, ये चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने आगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी ट्वीट किया जिसमें लिखा, दिल्ली में एक मंदिर को तोड़ दिया गया, सब कुछ कैमरे में दर्ज है, अभी तक मंदिर तोड़ने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। समाज ने असाधारण धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया है, यही हमारी पहचान है, परंतु धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। पुलिस प्रशासन नेता मंत्री सब रीढ़ विहीन और नैन विहीन हो चुके थे। और तो और, ममता राज में जिस सरकार को गुंडागर्दी नजर आती है, जो सरकार दावा करती है कि ममता राज में हिंदू महफूज नहीं, उस सरकार के कानों पर भी जू तक नहीं रहेंगी। सुना है दिल्ली तो गृह मंत्रालय का मामला है, मोदी के खासम खास अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन वो भी चुप रहे। और तो और, संसद के गोलघर में बैठकर देश के मुसलमानों को खतरे में बताने वाले नेताओं के मुंह में दही जम गई थी। आज उन्हें मुसलमान खतरे में नहीं दिखा, देश के मुसलमानों के मुद्दे पर चोंच खोलने को तैयार बैठे चंद सियासी पाखंडियों की आंखों में मुस्लिम पैरोकारी पर अफसोस का रत्ती भर नहीं था। चंद लोगों को धर्म की आड़ लेकर लोगों को लड़ाने की पुरानी आदत है। एक बार फिर ये वीडियो देखिए और आप खुद तय कीजिए कि हिंदुस्तान की गंगो जमनी संस्कृति में ये कहां तक जायज है। पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लगा रहे हैं, लेकिन देश में चंद लोगों को इस नारे से जैसी चढ़ सी लग गई है। ये वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब गेंद सरकार के पाले में है, वो इसे कैसे रोकती है और इस तरह हुड़दंग करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। सारा शीशा टूटा हुआ है।
इनका भी ऑफिसर टूटा हुआ है। लेकिन मंदिर ये खंडित हो गई है भोले जी। इधर ये पूरा शिव परिवार में जो है ना ये सारा तोड़ दिया है। ये आग लगाई है, ये पर्दे में आग लगाई है, पूरे मंदिर में आग लगा दिया है, मंदिर के पर्दों में पूरा आग लगा दिया है। इधर ये राम जी का ये धनुष टूट गया है पूरा, ये राम जी का धनुष टूट गया है ये पूरा, ये गणेश जी की मूर्ति तोड़ दिया है, ये गणेश जी की मूर्ति तोड़ दिया है। और ये भोले बाबा का यहाँ से टूट गया है, ये भोले बाबा का यहाँ से तोड़ दिया है, नाग देवता ये ऊपर से चक्र तोड़ दिया है, ये शीशा टूट गया है सारा, राम दरबार का भी शीशा टूट गया है, शिव परिवार का भी शीशा टूट गया है सारा, मंदिर में पूरा आग लगा दिया था, है 150 आदमी थे करीब यहाँ पे, और पूरे अंदर में गली में गाड़ियाँ सारी गाड़ियों में किसी गाड़ी में तोड़ दिया है, फोड़ दिया है सब गाड़ियों को। गली दुर्गा मंदिर से है दिल्ली 6 से चांदनी चौक। हम रात को 12 बजे के करीबन की बात है, ये सो रहे थे हम, तो रात को कम से कम 300-400 मुसलमान गली के अंदर घुस गए। घुसने के बाद उन्होंने जो तोड़ा फाड़ी करी है पूरे मंदिर तबाह कर दिया, पूरा मंदिर। ये देखो मैं आगे आपको दिखाता हूँ सब चीज़ें दिखाता हूँ ये देखो भाई ये सारे बर्दे सब जला दिए हैं। पर हाँ ये बात है, दिल्ली पुलिस ने हमारे को फुल सपोर्ट करी है, पूरी सपोर्ट करी है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली 6 से क्या नया, दिल्ली 6 में एक कांड हुआ जी, रात 12 बजे कुछ मुसलमानों ने, कम से कम 200-250 मुसलमान था बल्कि ज़्यादा ही होगा, इन्होंने मंदिर पे हमला करा और मंदिर के साथ साथ पूरी गली पे अभी हमला करा है। इसमें कम से कम बहुत माल की हानि हुई है, नुकसान हुआ है, मूर्तियों को, मंदिर को, पर्दों को, मूर्ति मंदिर पर्दे सब जला जुलू दिए गए इन्होंने से, और लगभग गली मंदिर को बहुत नुकसान करा है। और हिंदू धर्म के नाते यहाँ पर हिंदू की संख्या सिर्फ 5% है इस गली में, और 95% मुसलमान है, जिन्होंने बड़ी बेदर्दी से मंदिर को तोड़ा और फोड़ा, और बहुत सारे लोग थे जो कि हथियारों के साथ थे और गली को बर्बाद करने, मतलब गली को बिल्कुल तहस नहस करके गए हैं ये लोग। लेकिन सही वक्त पे पुलिस ने अपना वो दिया है और सही वक्त पे पुलिस आई है, जिसकी वजह से कोई जान नहीं गई किसी की, और लगभग सारे ही लोग सुरक्षित हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के सारे बड़े अहदे के ऑफिसर थे यहाँ पे, DSP SP और लंबे बड़े जितने बड़े ऑफिसर थे लगभग सभी थे, उनकी टीम थी, कम से कम 200-250 आदमी की स्टाफ भी आया है, जिस वजह से कोई मौत और हादसा नहीं हुआ है यहाँ पे। हम दिल्ली पुलिस के दिल से शुक्रगुजार हैं, भक्त रहते हैं, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी मदद की है। कृपया हिंदू भाई हैं तो हिंदू भाई को फॉरफेट करें, इसको दिखाएं, धन्यवाद। साइलेंट करो, साइलेंट कर दे।